मैंने एक टूर बुक किया है, जैसे कि फोर आइलैंड और एक केबल का टूर। तो यहाँ पे जो नॉर्मली फोर आइलैंड होता है, इनका फेमस फोर आइलैंड केबल का भी एक राइड है, वो घूमना है। और यहाँ पे जैसे कि पहले ही बोला था, यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने ही मिले। स्नॉर्कलिंग तीनों आइलैंड में करने देते हैं अपने ये तरीके से। और फिर एक है सी वॉकिंग, अभी तो बोल रहे हैं बोल के, मैंने कल आइटन भी देखा था, मतलब वो एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है ये सब टूर के बाद। तो चल के देखते हैं कैसा क्या रहता है। मैंने सी वॉकिंग कर लिया है, पहली बार किया सी वॉकिंग, बहुत मज़ा आया। थोड़ा लगा तो महंगा है पहले, लेकिन और कहीं पे मैंने देखा भी नहीं है, किया भी नहीं। देखा जाए मतलब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हेलमेट रहता है आपके ऊपर वो थोड़ा मतलब भारी रहता है, बोलते हैं कि 4-5 किलो का रहता है। लेकिन आप जब वाटर के अंदर जाते हैं तो प्रेशर के हिसाब से वो आपको भारी नहीं लगता है, वो आपको शोल्डर के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, चलना कैसे, थोड़ा चलने के लिए मतलब आपको सही तरीके से चलना है। और दूसरा चीज़ का ध्यान रखना है कि एयर प्रेशर, जैसे हम लोग फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, लैंडिंग हो गया ये हो गया, तो एयर पे पूरा प्रेशर पड़ता है बहुत, होता है उसी चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। मतलब क्या हम लोग सैलो करते रहते हैं एयर प्रेशर को थोड़ा हल्का करने के लिए, वरना हम लोग ये छोड़ते हैं मतलब ऐसे प्रेशर छोड़ते हैं तो ये थोड़ा हल्का होता है। वरना यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग मतलब किसी चीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको दे रहे हैं लॉलीपॉप जैसे, चुस्ते रहो पूरा थोड़ा सैलो करते रहो तो ये रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा। स्कूबा डाइवर्स पर रहते हैं तो बहुत टाइम तक, ताकि आपको नेविगेट करने में अंदर कहाँ चलना है कहाँ नहीं दिखाने में सब हेल्प करते हैं। बहुत मस्त था, बहुत बहुत ही ज़्यादा, पहली बार मेरा था, लेकिन पूरा इतने क्लोज से सी कोरल्स दिखना, ये देखना मज़ा आ गया। चलो फिर देखते हैं आगे क्या है। ये तो पूरा बीच साइड है, मतलब पूरा ऊपर से ही थोड़ा बहुत कोरल दिख रहा है, पूरा पत्थर सब है पूरा भर के।
आइलैंड पे, ये पहला एक आइलैंड हो गया, नेक्स्ट आइलैंड पे चलते हैं स्नॉर्कलिंग करते हैं फिर। पहली बार स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है, इसलिए पहले बार मैं वीडियो नहीं लिया था, तो कैमरा लेके आया हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। पहले सांस लेने में दिक्कत हो रहा था बहुत, अब तो नॉर्मल। पहली बार स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है, इसलिए पहले बार मैं वीडियो नहीं लिया था, तो कैमरा लेके आया हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। पहले सांस लेने में दिक्कत हो रहा था बहुत, अब तो नॉर्मल। हम तो वापस आ गए, लेकिन एक चीज़ है, स्नॉर्कलिंग मज़ा आ गया। इससे पहले जो कोरल में गया था मैं कंबोडिया में, इस पर मतलब पानी क्लियर था, लेकिन ज़्यादा इतना कोरल्स नहीं था इतना यहाँ पे है। यहाँ पे तो बहुत सारा कोरल्स है, पूरा बीच भरा पड़ा है कोरल्स में, तो वही एक मज़ा आ रहा है। कहीं पे भी चले जाओ आराम से दिख रहा है बोट के पास, वापस नेक्स्ट आइलैंड तक वहाँ पर रेस्ट है।